नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नौकरी लगाओ पर। जैसा कि सभी को मालूम है कि ये चैनल हमने RRB NTPC और ग्रुप डी के लिए जो बच्चे या जो स्टूडेंट्स जिन्होंने फॉर्म भरा है और वो एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं उनके प्रिपरेशन के लिए हमने बनाई है। इसमें बेसिकली तीन सेक्शन है फ्रेंड्स। ये तीन सेक्शन होते हैं जनरल अवेयरनेस और आपका रीजनिंग और एप्टीट्यूड। तो रीजनिंग और एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस, इन सभी के वीडियोस वन बाय वन हर दिन अपलोड हो रहे हैं और आप उनको देखते रहिए। और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। ये बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे और आप जल्दी से जल्दी ये वीडियो देख पाएंगे और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर पाएंगे। तो इसी सीरीज़ में मैं एनालॉजी का लेक्चर 3 लेके आया हूँ। अगर आपने ये एनालॉजी के 2 लेक्चर पहले के नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ देख लीजिए, ऊपर आई बटन में आपको दिख जाएगा ये सारा चीज़ें। तो चलिए हम ये 3rd सीरीज़ शुरू करते हैं। ये सीरीज़ मैंने आपको इसलिए बनाई है क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस मैंने लिए हैं जो मुझे लगता है कि इन रिलेशनशिप्स को हमें ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने ये सीरीज़ आपको दी है। तो अभी सीरीज़ में आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसमें है कोलकाता और एक है वेस्ट बंगाल। मतलब कि वेस्ट बंगाल जो है वो क्या है कि स्टेट का नाम है और कोलकाता जो है वो उसका कैपिटल है। तो वेस्ट बंगाल क्या है, स्टेट है, और कोलकाता क्या है, उसका कैपिटल है। तो यहाँ पे रिलेशन आ गया स्टेट और कैपिटल का। तो स्टेट और कैपिटल का यहाँ पे रिलेशन है, तो सिमिलर रिलेशनशिप हम सारे ऑप्शंस में चेक करते हैं। ठीक है, तो हमको पुणे महाराष्ट्र में कोई रिलेशनशिप दिख रहा है क्या? ये स्टेट है लेकिन पुणे महाराष्ट्र का कैपिटल नहीं। नेक्स्ट ग्वालियर, ऑप्शन बी इज़ ग्वालियर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का कैपिटल फ्रेंड्स हमको पता है क्या है, भोपाल है, ना कि ग्वालियर है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग। उत्तर प्रदेश का कानपुर नहीं है, साथ में जयपुर और राजस्थान। राजस्थान एक स्टेट है और उसका कैपिटल जयपुर है, ये सही ऑप्शन है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट इन फर्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। फ्रेंड्स मैं चाहूँगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस मेरे साथ ही साथ आप भी ट्राई करते रहिए। जैसे कि ये सेकेंड प्रॉब्लम जो है, देखिए ताजमहल आगरा, ताजमहल तो सबने देखा हुआ है, ताजमहल कहाँ है, आगरा में, कहाँ है, आगरा में। तो देखिए, लेकिन अब इसमें स्पेशल क्या है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिख रहा है आपको गोल्डन टेम्पल और अमृतसर, ये भी है, गोल्डन टेम्पल कहाँ है, अमृतसर में, लेकिन आपको ऑर्डर समझना है। यहाँ पे ऑर्डर कैसा है, देखो पहले क्या है आपको ताजमहल दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है, आगरा। ताजमहल जो है वो कहाँ है, आगरा में, तो सेकंड प्लेस में क्या आएगा, उस जगह का नाम, है ना, और फर्स्ट में ताजमहल या वो फेमस चीज़। ठीक है, नेक्स्ट अपन ऑप्शन देखते हैं, तो इसमें वो सीक्वेंस फॉलो नहीं हो रहा है पहले वाले में, तो ये रॉन्ग। सेकंड में देखिए रेड फोर्ट, पहले फेमस जगह का नाम रेड फोर्ट, फिर उसका दिल्ली में है, कहाँ है, दिल्ली में, वो प्लेस का नाम आ गया। तो इस तरीके से ये वाला ऑप्शन करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 3rd। क्वेश्चन 3rd में आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश के अंदर है। वैसे ही मुंबई कहाँ है, मुंबई है महाराष्ट्र के अंदर, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन 4, रीज़न और यहाँ पे दिया हुआ है SFBTPO, रीज़न एंड SFBPTO। सो इन दिस रीज़न के लिए देखिए, ध्यान से देखिए, पहला लेटर आर और सेकंड यहाँ पे एस, आफ्टर दैट ई है, ई का क्या हो गया, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, एस के बाद टी आता है, ओ के बाद पी आता है और एन के बाद ओ आता है। तो हम क्या देख रहे हैं, इनमें रिलेशन क्या है, सिमिलर रिलेशन, आर के बाद क्या आता है, एस। ठीक है, तो एक जस्ट आगे वाला वर्ड है, लेटर है। वैसे ही यहाँ पे देखिए क्या आंसर हो जाएगा, टी के बाद क्या आएगा, टी के बाद आएगा यू। यू किस में है, बी में है, सी में है और डी में,
यहाँ से आंसर सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। एच के बाद क्या आएगा? एच के बाद आएगा आई, तो ये वाला है, ये वाला नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, तो ऑप्शन आंसर कौन सा होगा? बी। आगे भी चेक कर लेते हैं, आई के बाद जे, एन के बाद ओ और के बाद एल। तो गाइज ये था फोर्थ क्वेश्चन, इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ई एफ जी एच का बताना है। ए बी सी डी जो है तो ए से देखिए, ए बी सी डी कंटिन्यूस है और वैसे ही लास्ट के क्या है? डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ऐसे ही आप देखिए ई एफ जी एच कंटिन्यूस है, अब इसमें देखिए कंटिन्यूस है क्या कोई सा? एस टी यू वी, तो ऑप्शन इज डी। यहाँ पे कंटिन्यूटी थी ए बी सी डी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, वैसे ही ई एफ जी एच कंटिन्यूटी है, इसके बाद क्या आना चाहिए? एस टी यू वी। एस टी यू वी इज़ रॉन्ग, कंटिन्यूएशन में नहीं है, ये भी कंटिन्यूएशन में नहीं है और ये भी कंटिन्यूएशन में नहीं है, सो ऑप्शन ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। लास्ट नंबर एनालॉजी का प्रॉब्लम लिया है मैंने, ये आ चुका है आपके एन टी पी सी के एग्ज़ाम में, ठीक है, इसको गैस करिए आप लोग। थ्री, ठीक है, थ्री थ्री के साथ क्या है? थ्री का क्यूब है, 27 इज थ्री का क्यूब हो गया, वैसे ही फाइव है तो यहाँ क्या हो जाएगा? फाइव का क्यूब, फाइव का क्यूब होता है 125, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे आपको छह कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बताए हैं और यहाँ पे हमने अलग अलग रिलेशंस को देखा है, तो मैं वन बाय वन आपको क्वेश्चन वाइज रिलेशंस को आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये रिलेशंस ध्यान में रखते हैं तो आपके एनालॉजी के प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होंगे और आपको अच्छा से अच्छा नंबर मिलेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पहले क्वेश्चन में जो रिलेशन है वो क्या है। पहले क्वेश्चन का रिलेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल क्या है? एक स्टेट है। क्या है? एक स्टेट है। और कोलकाता क्या है? उसका कैपिटल है। क्या है? कैपिटल है, राजधानी है ना, राज्य है और उसकी राजधानी है। ये एक पहला रिलेशन हो गया। सेकंड क्या है? ताजमहल आगरा, एक फेमस जगह है ताजमहल, लेकिन वो है कहाँ? आगरा में है, तो उनका रिलेशन बन गया। वैसे ही एक फेमस जगह कहाँ है? रेड फोर्ट। कहाँ है वो? दिल्ली में, ठीक है, तो ये सेकंड रिलेशन हो गया, एक फेमस प्लेस और वो कहाँ पे है। ये थर्ड रिलेशन क्या बता रहा है? एक प्लेस का नाम है और वो कहाँ है उसको बता रहा है, तो आगरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, तो मुंबई कहाँ होगा? महाराष्ट्र के अंदर। ये सिमिलर टाइप के रिलेशनशिप्स हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे क्या बताया था आपको? रीज़न लिखा हुआ है, तो आर का रिलेशन एस के साथ कैसा है? आर प्लस वन। वैसे ही ई का कैसा है? एफ के साथ ई प्लस वन। इस तरीके से प्लस वन करके हम एस एफ बी पी टी पी ओ फाइंड कर लेते हैं। वैसे ही थिंक का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो यहाँ पे रिलेशन क्या समझना है कि आर के कितने बाद एस आ रहा है, तो एक के बाद आ रहा है, ई के बाद भी एक आ रहा है, सब में एक है, तो ये इसमें भी यही सिमिलैरिटी फॉलो होगी, थिंक के साथ सेम सिमिलैरिटी फॉलो होगी, ठीक है। हमारा पांचवा रिलेशन है कंटिन्यूस फॉर्म, जैसा कि यहाँ ए बी सी डी कंटिन्यूस लिखा हुआ है वैसे ही डब्ल्यू एक्स वाई जेड कंटिन्यूस लिखा हुआ है, तो ई एफ जी एच ये कंटिन्यूस है, तो आंसर भी क्या होना चाहिए? कंटिन्यूस होना चाहिए, तो ये सब रॉन्ग, तो क्या आ गया? रिलेशन कंटिन्यूस होना चाहिए, क्या? लेटर्स, कोई भी बीच में जंपिंग नहीं होनी चाहिए, ओके। लास्ट जो ये है नंबर है, इसको मान लो एन, तो यहाँ पर ट्रिक क्या हो जाएगी? एन एन स्क्वायर, यहाँ पर भी एन और एन स्क्वायर, तो थ्री थ्री का स्क्वायर 27 और फाइव फाइव का स्क्वायर 125। इस तरीके से ये हम ट्यूटोरियल को एंड करते हैं। गाइज आपको अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आप अगर चाहते हैं कि किसी दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो आप बिल्कुल वो टॉपिक कमेंट करिए और हमें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट जो वीडियो अपलोड हो रही हैं सभी सेक्शन के वो आपको जल्दी से जल्दी मिले और आप देख के अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर पाएँ। थैंक यू गाइज़।